युद्ध शुरू नहीं हुआ पर कंफर्म हो गया कि युद्ध होगा। भगवान ने कहा दुर्योधन नहीं मानेगा। दुर्योधन बोला मैं नहीं मानूंगा, मैं बिना लड़े तो एक सुई ना दू, एक सुई बराबर जमीन ना दू। बोलो उनको पांडवों को हिम्मत है तो लड़े, युद्ध करें और राज्य लेके जाए वापस। कृष्ण ने कहा ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, युद्ध तो होगा ही। युद्ध के लिए सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, बंटवारा करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा बंटवारा मैं करूंगा। दुर्योधन ज्यादा बोल भी नहीं पाया क्योंकि उसे पता था युद्ध में कृष्ण का साथ चाहिए, नहीं तो मैं युद्ध हारूंगा, इसलिए चुप रहा। कहा ठीक है। कृष्ण ने निश्चित किया कि कल कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन दोनों मेरे पास आएंगे और जिसको जो चाहिए मेरे से ले जाए। दूसरा दिन हुआ, दुर्योधन सबसे पहले नहा धो के तैयार हो गया कि पहले हम जाएंगे, पहले जाओ पहले पाओ वाला सिस्टम होगा, जो पहले पहुंच जाए उसको बढ़िया डील मिल जाएगी। ये सोच के दुर्योधन बढ़िया नहा धो के तैयार होके पहुंच गया। पर हमारे ठाकुर जी भी, हम एक बात मैं कहती हूँ, कौन कहता भगवान भेदभाव नहीं करते, महाभारत की पूरी कथा ही भगवान ने भेदभाव में करी है और खुल्लम खुल्ला करी है, डंके की चोट पर करी है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरा जो होगा ना उसको तो शाम दाम दंड भेद कैसे भी विजय दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। तुम एक बार मुझे समर्पित होके तो देखो। कह दो अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर कहता मैं नहीं बोलूंगा, मैं धर्मराज हूं, तुम्हारे इसके चक्कर में मैं अपना नाम क्यों बदनाम करूं। कृष्ण ने कहा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं माना तो मेरी तो सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाएगी। तब कृष्ण ने कहा वो था ना तुम्हारा हाथी, उसका नाम भी तो अश्वत्थामा था ना, तेरी बात टूटेगी और ना मेरी टूटेगी। बोल दे अश्वत्थामा मर गया, ये कौन पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य का पुत्र मरा है कि हाथी अश्वत्थामा मरा। यानी कृष्ण ने तो ठान लिया था शुरू से, और क्यों ठाना था वो इस कथा को सुन के समझ आ जाएगा। जब कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन आ रहा है, देख तो लिया कि आ रहा झरोके से झांक करके, नाटक तो इनको अच्छा करना आता ही है, सो चद्दर ओढ़ करके नाटक करके सो गए। दुर्योधन आया, द्वारपालों ने कहा भी सो रहे हैं, धक्का दिया, घमंडी था अभिमानी था, अरे हमको रोके घाट यहां से, हटा के भीतर घुसा। एक आंख से भगवान सब देख रहे हैं, बड़े चतुर हैं, चद्दर भी वो वाली ओढ़ी ट्रांसपेरेंट वाली जिसमें आर पार माहौल दिखता रहे क्या हो रहा अगल बगल। दुर्योधन आया, आकर के भगवान के सर की ओर बैठ गया। जबकि भारतीय पद्धति कहती है कि जो किसी का सम्मान करता है उसके हमेशा चरणों में बैठता है, वो जाके सर की ओर बैठ गया। भगवान ने भी आज तो लंबी खींच गए, भगवान ने सोचा आज तू भी बैठा ही रहे, हम नहीं उठने वाले, बैठे रहे भगवान, लेटे रहे। और फिर कुछ घंटे बाद आया अर्जुन, और अर्जुन आ करके भगवान की सैया से नीचे उनके चरणों में बैठ करके भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा है, निहार रहा है, देख रहा है। हाँ, मधुसूदन वैसे जितने सुंदर लगते हैं उससे कई गुना सुंदर तो ये सोते हुए लग रहे हैं, कितना शांत चेहरा। बस उसी को देख करके बलिहार हो रहा है अर्जुन की। तभी अलसाते से कुछ बड़ी अंगड़ाई सी लेते लेते श्री कृष्ण खड़े हुए, मानो कितनी गहरी नींद से जागे हों। जागे और जागते बैठे सामने दुर्योधन की ओर
हंसते अर्जुन की ओर हंसते हुए बोले, अरे पार्थ तू आ गया, तूने बताया नहीं, अरे जगा देते, बता देते, इंतजार तो ना करना पड़ता तुमको। कृष्ण ने सीधा अर्जुन को संबोधित किया तो पीछा बैठा जो था वो जल गया और जल के बोला कि ये तो अभी अभी आया, हम तो 2-3 घंटे से ही बैठे पीछे। तो भगवान ने उनको दिया, अच्छा अच्छा आप भी आए, आइए आइए, आपका भी स्वागत है। कौरव नरेश पटारी दोनों को सामने बिठाया, भगवान सिंहासन पर बैठे और तब भगवान ने किया बंटवारा। और बंटवारा भी बड़ा विचित्र था, ऐसा बंटवारा कोई न्यायाधीश नहीं करता है, पर आज भगवान ने, क्योंकि प्रभु का न्याय दुनिया के न्याय से अलग होता है, भगवान ने बंटवारे में एक तरफ एक पलड़े में दी अपनी द्वारिका की अक्षौणी सेना। एक अक्षौणी सेना में इतने सिपाही, इतने अस्त्र शस्त्र बल होता है कि स्वर्ग का देवराज इंद्र भी अक्षौणी के सेना के सामने लड़ने से कांपता है, इतनी शक्तिशाली सेना है ये कृष्ण का एक तरफ सेना। और दूसरी तरफ मैं अकेला नहीं, निहत्था, बिना शस्त्र उठाने वाला कृष्ण, मैं रहूंगा जिसकी तरफ कोई ये भी आशा मत करना कि भैया कभी जरूरत पड़ी तो ये धनुष बाण उठा के 2-4 को मार देंगे। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो जी करोगे क्या फिर आप? अस्त्र उठाना नहीं है आपको तो फिर आप करोगे क्या? बोले जो मुझे चुनेगा मैं बस उसका रथ चलाऊंगा, मैं उसका रथ हांकूंगा। अब तो देखा जाए तो बहुत बहुत सिंपल है, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना। जीतना है तो सेना चाहिए, इसलिए जीतने वाला तो सीधा सेना ही मांगेगा क्योंकि उसे पता है वहां तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। जब बारी आई चुनाव की तो कृष्ण ने पहले मौका दिया अर्जुन को। दुर्योधन एकदम तैयार था बोलने के लिए कि हम ये सेना, तो इतने ही कृष्ण ने टोक दिया कि पहले अर्जुन मांगेगा। अब तो महाराज दुर्योधन की हार्ट बीट तेज हो गई, दिल लड़कने लगा एकदम फास्ट कि भाई अब तो गई सेना हाथ से, क्योंकि कोई मूर्ख ही होगा जिसको, जो युद्ध के लिए सेना ना मांगे, क्योंकि युद्ध के लिए तो सेना ही चाहिए। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ बोल तुझे क्या चाहिए? तो पार्थ ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माधव मुझे आपसे बस चुनाव में, अगर आप ये मौका दे रहे हो चुनने का, तो मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपका साथ चाहिए, मुझे मधुसूदन चाहिए। भगवान ने कहा, तू इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब है तू हारेगा। अब भी भगवान डरा रहे हैं या अब भी डर के मारे पलट जाए? भगवान कह रहे इसका मतलब समझ जा कि तू हारेगा, सेना चुन लेगा तो तेरी जीत निश्चित हो जाएगी। सुन के अर्जुन की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, लालच दे रहे हो, मुझे ललचा रहे हो, पर हे केशव एक बात कहूं, तुम्हारा संग ना पाकर के अगर मैं जीत भी गया तो वो जीत जीत नहीं है, वो जीत भी हार के समान। भगवान के बगैर कोई जीत पा भी ले तो वो जीत नहीं है, वो हार ही है। और तुमको पाके अगर मैं हार भी गया तो उससे बड़ी मेरी जीत कोई हो नहीं सकती। और हार जीत ये तो प्रभु समझ का फेर है ना, जिसको आप हार समझ रहे हो वो हार नहीं है,
क्यों? आप मेरे पक्ष में आओगे तो 24 घंटा मेरे पास रहना पड़ेगा, मेरा रथ चलाओगे तो हमेशा मेरी दृष्टि आप पर रहेगी, मैं आपका दर्शन करूंगा, और मेरे लिए यही विजय है, यही जीत है, इसलिए हे केशव मैं आपको चुनता हूं। और महाराज दुर्योधन की तो मानो मौज आ गई, खुश हो गया, मन में आनंद आ गया, जो चाहिए था सो मिल गया। और ये अर्जुन पागल है एकदम, इसको क्या पता युद्ध भूमि में, रणभूमि में युद्ध होता है, ले लिया इस चोर को, इससे क्या वहां चोरी करवाएगा, इससे क्या है वहां बंसी बजवाएगा। बड़ा खुश है मन ही मन, वो बाहर से दिखावे के लिए क्या कहता, अब कोई बात नहीं, चाहता तो मैं भी था कि आपको ही चुनूं, पर अब छोटा भाई है, दिल भी नहीं तोड़ सकता, कोई बात नहीं, हम सेना से काम चला लेंगे। पर प्रभु तो अंतर्यामी है ना, घट घट की जानते हैं, सोच रहे बेटा हमको पागल बना रहा है तू। और भैया एक बात समझ लीजिएगा, अर्जुन जीतेगा, पांडव जीतेंगे, ये निर्णय उसी दिन हो गया था जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना, बाकी सारी बाद में जो हुई वो सब फॉर्मेलिटी थी, वो बाद में बस नाटक चला था। उसी दिन विजय पांडवों की हो गई थी। और एक बात और कह दे कि बात केवल पांडवों की नहीं है, जो कृष्ण को चुनता है विजय हमेशा उसी की होती है, कोई भी हो, दुनिया में कोई भी काम हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी मार्ग हो, उसमें जो भगवान को चुनता है वो जीतता है, भले दुनिया की नजरों में वो लगे कि ये हारा है, पर वो हारा नहीं है, वो जीता है।